समझ द माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नाउ कि परीश इज डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी बिकॉज ही वाज इनटू फोटोग्राफी. सो सबसे पहले परीश यू स्टार्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चे 12th के बाद मूव ऑन करें मतलब आउट ऑफ इंडिया, कि वो अपना थोड़ा सा ग्रेजुएशन थोड़ा सेटल यहाँ पे हो फिर वो मूव ऑन करें. क्योंकि एक कन्वर्सेशन टॉक में शायद अभी हम जो कर रहे थे व्हेन वी ऑफलाइन, तो परीश ने मुझे बताया कि सर टाइम्स जब आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं सेटबैक्स आते हैं तो बहुत बार 4-5 महीने के बाद आपको वापस आने की इच्छा होती है लेकिन आपको सर्वाइव करना रहता है. सो इज इट मैच्योर इनफ कि अगर स्टूडेंट पोस्ट 12 मूव टू आउट ऑफ द कंट्री, और जैसे परीश ने आफ्टर 12 ही मूव टू मुंबई, वहां पर पहले एडजस्ट हुआ अडेप्ट हुआ एंड देन ही हैज मेक द डिसीजन ऑफ गोइंग टू यूएस एंड आउट ऑफ यूएस यूके एनीवेयर एल्स. सो परीश बच्चा कब जाए मतलब अगर मैं बोलूं. ओके सर मेरे को लगता है कि अगर आपका ऑलरेडी शुरुआत से प्लान है कि यहाँ पर तो मेरा फ्यूचर नहीं, अगर इफ यू प्लानिंग दैट आई वुड से जैसे 10th क्लास के बाद लोग कॉमर्स और पीसीएम मतलब साइंस में कैटेगरीज डिसाइड करते हैं व्हाट आर दे गोना डू फॉर द फ्यूचर, मैं बोलता हूँ तभी उनको चालू कर देना चाहिए अपनी यू नो लाइक क्रिएट जॉब्स और नॉट क्रिएट जॉब्स बट लुक फॉर जॉब्स एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर दे वांट टू बी.